तो क्लास 12 हिस्ट्री में आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। और हमारे चैप्टर का नाम है भक्ति एवं सूफी परंपराएं, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस, जिसमें हम 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक भारत में किस प्रकार से विभिन्न धार्मिक परिवर्तन होते हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं, जिसमें हम सूफी परम्परा, भक्ति परम्परा, सिख धर्म, इस्लाम धर्म आदि के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन टॉपिक नंबर 1 है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमनी बनावट। जैसा कि बच्चों आप टॉपिक में देख पा रहे हैं, एक शब्द से तो आप अवश्य ही परिचित होंगे, गंगा जमनी बनावट। गंगा का मतलब गंगा, जमनी का मतलब यमुना नदी। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 में, जो जो भी यहाँ पर इतिहासकार हैं या जो लेखक हैं। देखिए, टॉपिक ये बोर्ड एग्जामिनेशन ने इस उस तरह से डिटेल में नहीं पूछा जाता है, इससे एमसीक्यू या वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा मैं साथ में करता रहूँगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं। देखिए, पूरा भारतवर्ष जिस प्रकार से हम भारत में देखते हैं अपने आप को, हम समझते हैं कि हम सब लोग हिंदू हैं, या हम सब लोग मानते हैं कि भारत देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला धर्म हिंदू है। लेकिन उस हिंदू धर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो उस हिंदू धर्म के बनने की भी अपनी एक प्रक्रिया है, उसके अंदर कई प्रकार की धाराएं जो हैं मिल करके वो हिंदू धर्म को बनाती हैं। तो पूरा भारतवर्ष जो था, उस भारतवर्ष में सभी लोग किसी विशेष एक परम्परा को मानने वाले हमेशा से नहीं रहे, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो अलग अलग प्रकार की परंपराओं को मानते थे, उनकी अपनी अपनी एक विशेष परंपराएं थी, जिसको यहाँ पर आचरण लिख रहा है। तो जो आचरण होगा यही विश्वास कहा जाता है, यही हम धर्म कह सकते हैं इसको, यही को इसी को हम परंपरा कह सकते हैं। तो इस कुल मिलाकर के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 8वीं से 16वीं सदी में क्या हो रहा है कि धार्मिक विश्वासों के लोग जिन प्रकार की धार्मिक परंपराओं में विश्वास रखते हैं, और आचरण, आचरण का मतलब समझ लीजिए एक प्रकार जिन विशेष प्रकार के कर्मकांडों को करते हैं, उनकी जो गंगा जमनी बनावट है, उनकी जो मिलावट हुई, उनकी जो मिक्सचर हुआ, वो जब मिला तो उससे कुछ नया स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में उभर कर सामने आए। ठीक है, तो गंगा जमनी मिलावट का मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार की धार्मिक परंपराओं का मिलजुल करके एक नए रूप में प्रकट हो जाना, वही धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमनी बनावट है। मुझे खुद ये टॉपिक बहुत कठिन लगता है, आप इसको समझने की कोशिश करें, और मैं टॉपिक टू टॉपिक अब आगे चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हो गई। तो आपने जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, जिसमें लिखा होगा कि थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, भक्ति एवं इसमें विचारक विश्वास और इमारतें हैं, तो उसमें मैंने पौराणिक हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा। तो अब उसमें तो क्या हुआ कि महायान परंपरा में गौतम बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, कब, लगभग मान के चलिए आप ईस्वी की प्रथम सदी में। और ईस्वी की प्रथम सदी ही वह समय है जब हिंदू धर्म में, पौराणिक हिंदू धर्म में भी देवी देवताओं की मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ही। अब वो तो था प्राचीन काल, अब यहाँ पर 8वीं शताब्दी से 16वीं में क्या हो रहा है कि साहित्य जो लिटरेचर है और मूर्तिकला जो मूर्तियां हैं, उनमें अनेक तरह के देवी देवता दिख रहे हैं। यानी कि पहले हमें वैदिक समय में जो देवी देवता दिखते थे, जिनके नाम इंद्र, अग्नि, अरुण, वरुण थे, अब जो है 8वीं सदी के बाद हमें कई बहुत सारे विभिन्न प्रकार के देवी देवता साहित्य में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और साहित्य उन पर ज्यादा लिखा जा रहा है। वो अनेक तरह के देवता, ऐसा लगता है कि उन पर पहले इतना नहीं लिखा गया, और मूर्तिकला में भी उन देवी देवताओं को दिखाया अधिक जा रहा था, जिनमें मुख्य रूप से आप बात करें तो शिव हो गए, गणेश हो गए, देवी हो गई, बहुत सारे देवी देवता थे। ठीक है, और एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु तो और अधिक विस्तृत हुई। यानी कि आपने देखा कि वैदिक काल में, वैदिक परंपरा में, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से अगर आप 500 ईसा पूर्व तक जाएंगे, तो बहुत सारे बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में लगभग वैदिक यज्ञ किए जाते थे, और जिनमें बहुत सारे जो मुख्य देवता थे वो इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, अग्नि थे, वरुण थे, सोम थे, इस प्रकार के देवता थे। लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद विष्णु भगवान, शिव हो गए, देवी हो गए, इन रूपों में जो है शक्तियों को दिखाया जाने लग गया ज्यादा से ज्यादा, और इनकी पूजा पद्धति और ज्यादा बढ़ गई, और इनका अधिक प्रचलन हो गया। और आज आप देखते हैं कि हम लोग जो है आज शिव, विष्णु, देवी आदि के विभिन्न रूपों और उनकी भी विशेष रूप से मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो ये विकास जो है प्राचीन काल में थोड़ा बहुत शुरू होता है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, और 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक तो लगातार इनकी पूजा और प्रभावी होने लग जाती है। और आज आप देखेंगे जगह जगह पर आपको शिव जी के मंदिर भी दिखाई दे रहे होंगे, गणेश जी के मंदिर भी दिखाई देते हैं, देवी के मंदिर बहुत सारे हैं, देवी की पूजा भी बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ विष्णु की पूजा होती है, उनके अवतारों की पूजा होती है। तो ये विश्व कुल मिलाकर के ये पूरा 8वीं से 16वीं सदी तक का परिवर्तन का काल है।
और प्राचीन काल में इतना ज़्यादा ये बहुत प्रभावी नहीं था, लेकिन इस समय हो रहा था, इनको दिखाया जा रहा था। ठीक है, अब उस टॉपिक पे आ रहा हूँ जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझाना जरूरी था जो भी मैंने कहा। टॉपिक 1.1 पूजा प्रणालियों का समन्वय। अब पूजा प्रणालियों का समन्वय, समन्वय का अर्थ होता है एक प्रकार से मेल, मैं यही मानता हूँ इसका मतलब मेल, जुड़ाव, कनेक्शन। अब समन्वय, अब इसमें एक और चीज़ लिखी पूजा प्रणाली, पूजा भी और प्रणाली। पूजा प्रणाली का मतलब है कि दो भिन्न पूजा प्रणालियों का समन्वय, एक तो हो रही है पूजा और पूजा के साथ पूजा जुड़ गई, पूजा के साथ पूजा जुड़ने एक विशेष प्रकार की पूजा पद्धति जो कोई विशेष वर्ग पालन कर रहा है, दूसरी विशेष प्रकार की पूजा पद्धति जिसका कोई दूसरा वर्ग पालन कर रहा है, और उसका हुआ जब समन्वय तो कुछ नया एक सामने चीज निकल कर, नई परंपरा सामने निकल कर आई। एग्जाम्पल क्या है, देखिए पूरे भारत में 8वीं से लेकर के 16वीं तक की जो धार्मिक परंपराओं के विकास को समझने की जो इतिहासकार कोशिश करते हैं, उनका कहना है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कम से कम दो प्रकार की प्रक्रियाएं काम कर रही थी। टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस वाज देयर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑफ वॉरशिप। पूजा प्रक्रिया या धार्मिक प्रक्रियाएं पूरे भारत में दो प्रकार की चल रही थी, दो प्रकार की धार्मिक प्रक्रियाएं चल रही हैं। कैसी कैसी चल रही हैं दो प्रक्रियाएं? एक प्रक्रिया थी ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की, ब्राह्मणी विचारधारा, और दूसरी प्रक्रिया भी यहाँ पर थी। एक प्रक्रिया है ब्राह्मणी विचारधारा, ठीक है, और दूसरी प्रक्रिया है कि स्त्री शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्था और आचरण। अब आप समझिए इस बात को कि पूरे भारतवर्ष में एक प्रक्रिया जो काम कर रही थी, यानी पूरे भारतवर्ष में एक विशेष प्रकार की पद्धति का जो लोग पालन करते थे वो थे ब्राह्मणी विचारधारा को मानने वाले लोग। ब्राह्मणी विचारधारा का मानने वाले लोग वो लोग हैं जो कि मुख्य रूप से वेदों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, संस्कृत भाषा में विशेष रूप से लेखन किया, उन मंत्रों का जाप करते हैं, वैदिक यज्ञों को पढ़ने का कार्य करते थे, सरल संस्कृत छंदों में उनका ज्ञान था, ठीक है, पौराणिक ग्रंथ उन्होंने लिखे, ये थी पूरी ब्राह्मणी विचारधारा। तो ये आप मान के चलिए कि जो शिव हैं या जो विष्णु हैं या विशेष रूप से आपके वैदिक देवता इंद्रग्नि सोम हैं, सब ब्राह्मणी विचारधारा के देवी देवता थे, ठीक है। तो ये एक पद्धति तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहासकारों के अनुसार चल रही थी। अब दूसरी विचारधारा कौन सी थी? दूसरी थी स्त्री शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्था व आचरण, ठीक है, और उसको एक नया रूप दिया जाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में लगातार लोग वैदिक यज्ञ ही कर रहे थे, पुराणों को पढ़ ही रहे थे, सुन ही रहे थे, रामायण महाभारत को पढ़ ही रहे थे, वेदों को पढ़ ही रहे थे, नहीं, पूरे भारतवर्ष में अन्य स्त्रियां, जो स्त्रियां भी थी, कई शूद्र वर्ग जो थे भारत में और कई अन्य सामाजिक वर्ग थे जिनके अपने विशेष आस्थाएं थी, जिनके विशेष आचरण थे। उदाहरण के तौर पर भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में ऐसा है जो आदिवासी है, तो इनको हम मान लीजिए कभी वाले लोग हिंदू कहते हैं, लेकिन वास्तव में इनकी जो परंपराएं होती है बड़ी यूनिक होती हैं, बड़ी अलग होती हैं, अपनी आस्था होती है, कोई पेड़ की पूजा, कोई भूत की पूजा, कोई पत्थर की पूजा, कोई जड़ की पूजा, विशेष रूप से पूजा करते हैं लोग। तो ये इनकी विभिन्न आस्थाएं अभी भी हैं, पहले भी थी, इनके आचरण अलग टाइप के होते हैं आदिवासी क्षेत्रों के या कुछ विशेष जगहों पर शूद्रों के। तो यहाँ पर दो प्रक्रिया इस प्रकार से कार्यरत हो रही हैं, दिख रही हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो ब्राह्मण थे मुख्य रूप से, जो ब्राह्मणी विचारधारा थी या जो पौराणिक हिंदू धर्म की विचारधारा थी या वैदिक परंपरा जो है जो संस्कृत आधारित और पुराण आधारित है, उन लोगों ने क्या कर दिया था कि स्त्रियों को, शूद्रों को और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को स्वीकृत कर लिया और उसे एक नया रूप प्रदान कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अब शूद्र लोग विशेष रूप से मान लीजिए अपने विशेष रूप से अपने कुछ नए देवता देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, यहाँ पर अन्य सामाजिक वर्ग जो मुख्य रूप से आदिवासी हो सकते हैं अपने किसी विशेष नवीन देवी देवता की पूजा करते थे, ब्राह्मण ने उनके देवी देवताओं को भी स्वीकार कर लिया, उनको स्वीकृति प्रदान कर दी, ठीक है तुम्हारे देवी देवता हैं हम स्वीकार करते हैं, उन्हें नया रूप प्रदान कर दिया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है एक नया रूप सामने निकल कर आया, नया रूप। अब नया रूप मैं आगे आपको समझाऊंगा क्या है। तो समाज शास्त्रियों का कहना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं थी, पद्धतियां थी, जिनको महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का परिणाम माना जा सकता है। तो अब अगर आप यूं कहें कि पूरे भारत में जो है दो प्रकार की धार्मिक विचारधाराएं चल रही थी 8वीं से 16वीं शताब्दी, दो प्रकार की धार्मिक विचारधारा चल रही थी। पहली वाली को हम कहते हैं ब्राह्मणी विचारधारा, क्या कहते हैं? ब्राह्मणी विचारधारा, जिसको इतिहासकार कहते हैं महान परंपरा, इसको क्या कहते हैं? महान परंपरा। और दूसरी परंपरा को वो कहते हैं लघु परंपरा। वो लघु परंपरा कौन सी है? जो मुख्य रूप से कृषक समाज, शूद्रों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, अन्य सामाजिक वर्गों के द्वारा, जिनमें विशेष प्रकार के रीति रिवाजों, धार्मिक रीति रिवाजों और देवताओं का
पूजन आदि किया जा रहा है। तो दो पद्धतियां हो गई। तो महान परंपरा क्यों कहा गया है यहाँ पर ब्राह्मणी पद्धति को, क्योंकि महान परंपरा क्योंकि उसका एक विशिष्ट एक भाषा है, उसका एक साहित्य है, उसका अपना एक उनकी विशिष्ट देवता है, उनकी पद्धति में कुछ विस्तृत टाइप की जानकारी है। लघु परंपरा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो विभिन्न परंपराओं का लोग पालन कर रहे हैं वे देश भर में बिखरे रूप में, वो छोटे छोटे वर्ग में भी हो सकते हैं, उनमें विभिन्नताएं भी हैं, उनका हो सकता है पूरा साहित्य ना हो लेकिन फिर भी वो परंपराएं धार्मिक हैं। ठीक है, ये चल रहा था। तो कुल मिलाकर के आप कहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में पूजा प्रणालियों से के समन्वय में कौन सी कितनी प्रक्रियाएं काम कर रही थी। तो पूरे भारतवर्ष में पूजा प्रणालियों के समन्वय के अर्थ में दो प्रक्रियाएं काम कर रही थी। एक प्रक्रिया को ब्राह्मणीय परंपरा कहा जाता है या ब्राह्मणीय प्रक्रिया कहा जाता है, और दूसरी प्रक्रिया को हम शूद्रों, कृषकों, महिलाओं और अन्य असामाजिक वर्गों की प्रक्रिया कहते हैं। तो एक पहली प्रक्रिया को फिर से कहना आप, तो वो कहना आप महान परंपरा, और दूसरी परंपरा को हम कहेंगे लघु परंपरा। एक परंपरा महान परंपरा है, एक परंपरा है लघु परंपरा। ये हो गया तो लघु परंपरा। अब यहाँ पर रिजल्ट कैसे आएगा, अभी भी आप समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये चीज़ों को समझिए यहाँ पर, कि एग्जाम्पल फिर से नीचे एग्जाम्पल पर जाते हैं कि महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद हुआ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लाइन में कि भारत वर्ष में समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं थी और पद्धतियां थी और महान और संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद हुआ और उसका परिणाम निकला। यानी कि देखिए, इस पूरे भारत देश में हमेशा से कोई विशेष रूप से ऐसा नहीं था कि सभी लोग वैदिक यज्ञ करते थे, सभी पुराणों को लिखते थे, पढ़ते थे, ऐसा नहीं था। या कई लोग अपने अपने हिसाब से रीति रिवाजों का पालन करते थे, उनके अपने देवी देवता थे, अभी भी देवी देवता उनके अपने हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इन ब्राह्मणों के विचारधारा का और इन लघु परंपरा के लोगों की परंपराओं के बीच में डायलॉग हुआ। डायलॉग का मतलब होता है कि इनके बीच में संवाद हुआ। संवाद का मतलब एक दूसरे से मिश्रित हो गए समाज में धीरे धीरे करके, और फिर कुछ नया ही एक परंपरा निकल के आई। ठीक है, फिर यहाँ पर एक नई ही विचारधारा सामने आ गई, और वो विचारधारा आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नीचे दिया हुआ है एग्जाम्पल कि इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण है पूरी उड़ीसा में, जहाँ पर मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो आपने नाम सुना होगा पुरी। पुरी जो है उड़ीसा का एक शहर है, और वहाँ पर जो है जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, और विष्णु का एक रूप माना जाता है, या कृष्ण का एक रूप, विष्णु का एक रूप माना जाता है वहाँ पर भगवान जगन्नाथ को। तो यहाँ पर कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो स्थानीय लोग थे वहाँ पर उड़ीसा के, वो पहले से ही एक लकड़ी से मूर्ति बनाते थे, लकड़ी से मूर्ति बनाते थे जनजातीय समुदाय के लोग, और जगन्नाथ के रूप में ईश्वर की अपने आराध्य की पूजा करते थे। जब ब्राह्मणी विचारधारा का वहाँ या पौराणिक विचारधारा वहाँ फैली, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, या विष्णु का रूप घोषित कर दिया और उसके रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो इस प्रकार से फिर एक यहाँ पर आज के समय में अगर आप देखोगे तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए बहुत सारे हिंदू जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि विष्णु का एक अवतार है, विष्णु का एक अवतार है। लेकिन ब्राह्मणी विचारधारा ने इसको अडॉप्ट करा और बताया कि विष्णु का एक अवतार है। तो पहले क्या थे वो, मात्र मुझे लगता है कि वो मात्र एक जगन्नाथ थे, जो कि एक लघु परंपरा का उदाहरण हो सकते थे, यानी कि जो एक स्थानीय परंपरा थी जो जनजाति के लोग उसका पालन करते थे। फिर जब महान परंपरा के लोग, जिनको कि हम ब्राह्मणी विचारधारा कह रहे हैं, जिसमें संस्कृत आधारित ब्राह्मण लोग हैं, वो गए, तो उन्होंने जगन्नाथ को, ब्राह्मण को, विष्णु का ही जो है रूप घोषित कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर महान परंपरा विष्णु प्लस लघु परंपरा जगन्नाथ मिल गए, तो उसका परिणाम क्या निकला, वो निकला भगवान जगन्नाथ विष्णु का एक रूप। तो इस प्रकार से दोनों महान परंपरा प्लस लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद हुआ, और एक यूनिटी समाज में बन गई कि विष्णु का रूप जगन्नाथ है, और समस्त विष्णु के पूजक जगन्नाथ मंदिर में जा सकते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, जबकि उनकी मूर्ति लकड़ी की बनाई जाती है। ठीक हो गई। और यहाँ पर जगन्नाथ के जो पूजक थे मुख्य रूप से आदिवासी, वो भी ये मान लेंगे, या उन्होंने मान लिया कि विष्णु जो है अपने आप में जगन्नाथ का ही एक रूप है, तो ये कनेक्टिविटी इन्होंने बना दी। तो ये एक पहली प्रक्रिया, तो भारत की एक प्रमुख प्रक्रिया सबसे विशिष्ट पूरी उड़ीसा में मिलती है, जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ विष्णु का एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत कर दिया। जगन्नाथ का मतलब होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी है एनसीईआरटी की पीछे की बुक में, अगर आप देखेंगे कि अगर हम तुलना करें कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, और इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। आपने देखा होगा कि
दक्षिण भारत में आपका मुख्य रूप से महाराष्ट्र में विठ्ठल रूप में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। उत्तर भारत में विष्णु की पूजा तो राम के रूप में भी हम कर सकते हैं, कृष्ण के रूप में कर सकते हैं, अन्य रूप में भी करते हैं, कई जगह नागराज के रूप में भी करते हैं, शेषनाग के रूप में भी करते हैं कई जगहों पर। तो अब उड़ीसा में क्या हुआ, उड़ीसा में विष्णु की पूजा, अब वहां पर मुख्य रूप से जनजाति समुदाय के लोग अपने देवता की एक मूर्ति बनाते थे जगन्नाथ की, लकड़ी से ही बनाते हैं और वो भी जनजाति के लोग बनाते हैं, उसके जो एक्सपर्ट होते हैं। इसकी कहानी आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी। और आज जो है इस विष्णु के रूप को अलग रूप से देखा जा सकता है, इनका रूप रंग अलग है, लकड़ी से मूर्ति बनती है। ये एक समन्वय हुआ, ये एक रिजल्ट हुआ। दूसरा, महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच एक और उदाहरण देखिए, देवी संप्रदाय। आप लीजिए देवी, आज आपने देखा होगा नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे में व्रत होते हैं, देवियों की पूजा की जाती है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार कि जो देवी संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, जो देवी की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, पहले देवी की उपासना, देवी की पूजा अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। होता क्या था कि पत्थर होता था, उसमें सिंदूर लगता था और देवी की पूजा होती थी, ये होता था पहले। और लेकिन इन स्थानीय देवियों को, जो भारत भर में स्थानीय देवता थी, यानी कि आप समझिए कि जो लोग स्थानीय स्तर पर देवियों की पूजा कर रहे थे लघु परंपरा के तहत, ब्राह्मणी विचारधारा ने या पौराणिक परंपरा के अंदर उन सभी देवियों को देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बन गई, कभी वह शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आ गई, भगवान शिव के पत्नी पार्वती के रूप में आ गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लघु परंपरा की ये देवियां हैं, जो स्थानीय देवता देवियां हैं, उनको महान परंपरा की पौराणिक जो परंपरा है उसके भीतर ले लिया गया और उन देवियों को एक उचित स्थान दे दिया गया, एक तरह से महान परंपरा में ही, और उनको बड़े बड़े देवताओं की पत्नियों के रूप में स्वीकार्यता दे दिया गया। जैसे कि माँ लक्ष्मी के रूप में भगवान विष्णु की पत्नी वो बन गई और भगवान शिव की पत्नी बन गई माँ पार्वती, इस तरह से प्रस्तुत किया गया। ये ऐसा एनसीईआरटी के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के आपने इस प्रकार से देखा कि भारत भर में दो प्रकार की परंपराएं काम कर रही थी, एक महान परंपरा और एक लघु परंपरा। महान परंपरा का अर्थ है ब्राह्मणीय परंपरा, जिसका विशेष साहित्य है, विशेष देवता है, विशेष पद्धति है, कर्मकांड करते हैं। लघु परंपरा बहुत प्रकार की है, पूरे देश में विस्तृत है, इनकी अपनी विशेष देवता है, अपनी देवियाँ हैं, अपनी पद्धति थी। लेकिन महान और लघु का जब मिश्रण निकल कर सामने आए तो नई पद्धति आ गई, जिसको हम जगन्नाथ भी कह रहे हैं, देवी संप्रदाय भी कह रहे हैं। एक का असर दूसरे पे पड़ रहा है, इसको रॉबर्ट रेडफील्ड भी स्पष्ट करते हैं, अगर इस सोर्स को भी आप अगर पढ़ें तो। अब महान लघु क्या है, महान परंपरा और लघु परंपरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल 20वीं सदी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किया गया। तो यहाँ पर नाम आता है रॉबर्ट रेडफील्ड। कौन थे रॉबर्ट रेडफील्ड, समाजशास्त्री थे, सोशियोलॉजिस्ट मान सकते हैं, सोशलिस्ट मान सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट। तो समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने पहली बार महान परंपरा और लघु परंपरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। तो उनका ये कहना था कि किसी भी समाज में जो एक कृषक समाज होता है, एक एग्रीकल्चरल, एक एग्रेरियन सोसाइटी जो होती है, कृषि समाज में जो कृषक होता है, उसके जो सांस्कृतिक आचरण होते हैं, जो उसका अपना एक संस्कृति होती है, उसका एक धार्मिक संस्कृति होती है, उनको उन्होंने देखा और बोला भाई ये है। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। उदाहरण के तौर पर राजा लोग वैदिक यज्ञ करते थे, शिव जी को मानते थे, वेदों को मानते थे, पुराणों को मानते थे, तो किसान लोग भी उनका अनुकरण, उनको फॉलो करने लग गए, इन कर्मकांडों को मानने लग गए। तो जिन परंपराओं को ये लोग महान लोग मान रहे थे, राजा लोग मान रहे थे, उसे कहा महान परंपरा। ठीक है, ये किसान लोग इसको मान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वही किसान समुदाय जो समाज में रह रहा है, अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। अन्य लोकाचार यानी समाज में किसान एक तरह से वैदिक यज्ञ भी करना चाह रहा है, शिव जी को भी मान रहा है, विष्णु भगवान जी को भी मान रहा है, साथ ही साथ वह क्या कर रहा है कि अन्य विभिन्न प्रकार के बड़े पौराणिक देवी देवताओं की भी पूजा कर रहा है। लेकिन कुछ अन्य परंपराओं का, अन्य लोकल ट्रेडिशंस का, अपने स्थानीय स्तर के अन्य देवी देवताओं की पूजा भी वो कर रहा था साथ ही साथ में, और जो इस महान परंपरा से अलग थे, जिसे इन्हें कहा लघु परंपरा का नाम रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल कई बार आप देखते हैं कई गांव में लोग ग्राम देवताओं की, कुल देवताओं की पूजा करते हैं जिनका वेदों में शायद वर्णन ही नहीं होगा, पुराणों में भी वर्णन ही नहीं होगा, और आज की डेट में वही लोग ये मानते हैं कि वो लोकल देवताओं के किसी बड़े देवता के अवतार हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, राम की पूजा भी करते हैं, विष्णु की पूजा भी करते हैं और अपने विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसका नाम बड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है स्थानीय स्तर पर, ये पूरे भारत की सच्चाई है।
तो इस प्रकार से आज भी कहीं ना कहीं लोग अपने अपने आप में, अपने गांव, अपने क्षेत्र में लघु परंपरा से तो जुड़े ही हुए हैं, साथ ही साथ महान परंपरा के पौराणिक और वैदिक परंपरा से भी जुड़े हुए हैं। तो महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ पारस्परिक आदान प्रदान हुआ और परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे हुआ क्या कि भारतीय समाज में इन महान और लघु में मिश्रण हुआ और नई परंपरा का विकास हुआ। तो आज आप देख सकते हैं आप कंप्लीटली कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि भाई विश्व देवी की पूजा हो रही है, तो देवी की पूजा पुराणों में भी है और देवी की पूजा स्थानीय स्तर पर कई आदिवासी समुदाय के लोग पहले से करते थे। तो इन जड़ों को ढूंढना बड़ा कठिन कार्य है। ये टॉपिक बड़ा टिपिकल है, मैंने बहुत तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं पर कठिनाई लगी तो कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने कोशिश करी इसको समझ पाऊँ और आपको समझा पाऊँ। तो आज की इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, महान परंपरा क्या है स्पष्ट कीजिए, लघु परंपरा क्या है स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न आएगा कि महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का एक उचित उदाहरण दीजिए। तो महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का एक उदाहरण तो यह है जगन्नाथ देवता जो कि उड़ीसा पुरी में स्थित हैं और जो विष्णु का अवतार जिनको माना गया है, और दूसरा देवी संप्रदाय में देवी की पूजा पद्धति जिसको विभिन्न समाजों से लिया गया पौराणिक पद्धति के द्वारा, जिसमें देवी की पूजा अब की जाती है और उनको बड़े बड़े शिव विष्णु आदि भगवानों की पत्नियों के रूप में देवियों को स्थान दिया गया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का आपको कमेंट करना हो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।